आज बात कर लेते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र के। अभी हाल ही में आपने देखे हैं कि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक बात और याद रखिए कि आप लोग देखिए उठा के क्वेश्चंस पेपर 4 से 5 साल के, जो भी आपके राष्ट्रीय संगठन हो गए, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, ये जो भी रिपोर्ट जारी करते हैं, जो काम होते हैं इनके, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा आपको कोई भी साल नहीं मिलेगा जिसमें आपके क्वेश्चन ना पूछे जाए हो। फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, या सिविल सर्विस हो, आपका हर जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए इसके बारे में, वैसे हम लोगों ने सभी संगठन, फिर चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सबको कवर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान भारत संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध हुआ है, यानी कि भारत भी इसमें काफी, भारत में भी क्या किया है, काफी योगदान दिया है। आप देखेंगे इसकी स्थापना तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी विभत्सा को भविष्य में रोकने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या किया गया, गठन किया गया। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी, यानी कि शुरू में 50 देशों ने हस्ताक्षर करने के साथ इसका प्रोसेस से स्थापना हो चुकी थी। वर्तमान में बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखने को मिलेगा आपको संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों का संघ बन चुका है। इसमें कितने टोटल मेंबर हो चुके हैं आपके, 193। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कि प्रारंभिक सदस्यों में से एक है, यानी कि ये भी आपके पूछ लेता है कभी। आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आ जाता है और काफी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो आपसे क्या पूछ लेगा कि भारत के बारे में बताना है आपको, तो ये शुरू से ही इसका सदस्य क्या है, तो आपको याद रखना प्रारंभिक सदस्यों में से ही एक ही है। भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। यद्यपि भारत विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करता है, परंतु इसके साथ ही मत कि भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारत इसमें सुधारों का कभी पक्षधर है। ठीक है, इसका याद रखिए मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों तथा एजेंसियों में भारत की भूमिका की बात करें, तो सुरक्षा परिषद में भारत की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मूल कार्य वैश्विक शांति की स्थापना है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी निकाय के रूप में भी जानी जाती है। इसकी वर्तमान संरचना में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे। इसके 5 स्थायी सदस्यों के पास निषेधाधिकार की शक्ति है, जो प्रायः विवाद का कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है, विवाद का कारण बनी हुई है। एक बात और आपको बता दूं, एक तरह से इसलिए एक कारण विवाद का कारण बनी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया हुआ है, उस पर चार देश एक पक्ष में और एक देश एक विपक्ष में, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। कहने का मतलब, अगर आपको प्रस्ताव पास करवाना है तो 5ों देशों को, इनको जो इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं एक तरह से, तो इन्हें क्या करना होगा, इन्हें इनकी सबकी सहमति होनी चाहिए। इसमें आप देख लीजिए कई बार पूछ लेता है आपका, जो विशेष अधिकार एक तरह से शक्ति मिली हुई है, किसे किसे मिली हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। ठीक है, याद रखना इसे। भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य है। इससे पूर्व भारत 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो याद रखिए 8वीं बार भारत चुना गया है। इस सदस्य के रूप में भारत ने बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय विधि तथा शांति का सदैव पक्ष लिया है। भारत द्वारा सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार शक्ति को विकेंद्रित करने के भी प्रयास किए गए हैं। विश्व के विभिन्न देशों द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग भी की जा रही है, और भारत भी इसके पक्ष में। याद रखिए किस लिए, क्योंकि आप देखेंगे स्थायी सदस्यता के लिए भारत भी क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। बराबर, अगर महासभा की बात करें हम लोग, तो यह संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रिक अंग है। इसके 13वें अधिवेशन में भारत को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। भारत ने महासभा में कई बार शांति, आतंकवाद मुक्ति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पक्ष में प्रस्तावों को विस्तृत तथा समर्थन किया है, क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया इन्हीं समस्याओं से जूझ रही है। ये नहीं है कि भारत की कोई अलग से प्रॉब्लम है, अमेरिका की कोई अलग से प्रॉब्लम है, वायु प्रदूषण हो गया, फिर
फिर पर्यावरण प्रदूषण में कोई भी हो आपका, फिर चाहे शांति की बात हो, आतंकवाद की बात हो, ये सब प्रभावित हैं, सबसे इससे लगभग सभी पर प्रभाव पड़ता है। भारत शांति स्थापना में सहयोग करने वाले सही महत्वपूर्ण देशों में से एक है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में भारत की क्या भूमिका है, तो यह विश्व में युद्ध तथा संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के कार्यों का संपादन करता है। भारत को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। परिषद द्वारा विश्व कल्याण के लिए कई एजेंसियां यथा यूनिसेफ, यूएनडीपी कार्य कर रही हैं। इन एजेंसियों में भारत की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तथा भारत की बात करें तो यह राष्ट्रों के मध्य हुए विवादों में न्याय प्रदान करता है। इसके साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों को कानूनी सलाह भी देता है। भारत ने सदैव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का पालन किया है, और बांग्लादेश से समुद्री सीमा विवाद हो या फिर कुलभूषण जाधव का मामला, भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सम्मान किया है। अभी जो पाकिस्तान में आपकी कुलभूषण या जाधव साहब जेल में बंद है ना, जिन्हें डेथ की एक तरह से पेनाल्टी दी गई थी, तो उसी की बात कर रहे हैं, पुनः विचार करने की बात की जा रही है। तो इस बार संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कोई ब्रिटिश न्यायाधीश नहीं है, और भारत के न्यायाधीश दलवीर भंडारी ने ब्रिटिश न्यायाधीश ग्रीन बोर्ड को हराकर भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पकड़ को सुनिश्चित करते हुए दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। भारत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सहयोग की बात करें तो भारत ने मानवाधिकार के मुद्दों पर सदैव संयुक्त राष्ट्र का सहयोग किया है। भारत ने कुवैत की स्वतंत्रता के लिए मतदान भी किया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद विरोधी सिद्धांतों को समर्थन दिया है। इसके साथ ही भारत ने नस्लवाद के विरोध में सदैव संयुक्त राष्ट्र का साथ दिया है। भारत विगत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध मुद्दा उठा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव 1373 का पूर्ण समर्थन भी किया है। इस समय एक विश्वसनीय शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। शीत युद्धोत्तर काल में भी भारत 23 शांति अभियानों में से 15 में भागीदार रहा है, जिसमें आप देखेंगे रवांडा, हेती, मोजाम्बिक उल्लेखनीय है, और सोमालिया में जहां अमेरिकी सैनिक भी पीछे हट गए थे, वहां भारत ने उस मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त कर अपनी क्षमता सिद्ध की थी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संरक्षित सतत विकास लक्ष्य यूएनडीपी पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी कर रहा है। कौन? हमारा प्यारा भारत। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत 2021-20 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुआ है। ये 8वीं बार है, ठीक है, इससे पहले 7 बार हो चुका है। हाल में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय आभासी बैठकों में प्रधानमंत्री ने कोरोनोत्तर काल में यानी कि कोरोना के समय बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार पर बल भी दिया है। भारत तथा संयुक्त राष्ट्र में मतभेद कहाँ है आखिर, यानी कि समस्या कहाँ है भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच? तो भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र उन विषयों में यथोचित निर्णय नहीं लेता है जहां अमेरिका, रूस जैसी बड़ी शक्तियां सम्मिलित होती हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि इनकी तरफ झुकाव रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं है। चीन जैसे कई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन नहीं करते, परंतु संयुक्त राष्ट्र ने इसके विरुद्ध प्रभावी तंत्र नहीं है। यद्यपि भारत संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण सिद्धांतों का पालन भी नहीं करता है, इसका मुख्य कारण है कि निःशस्त्रीकरण में व्याप्त असमानता तथा पड़ोसियों द्वारा समय समय पर भारत पर युद्ध थोपना है। लास्ट में आप कह सकते हैं कि भारत में सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण तथा कल्याणकारी कार्यों में सहयोग किया है। भारत संपूर्ण विश्व में समानता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पक्षधर है, अतः भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात करता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 वर्षों में स्वयं की प्रासंगिकता बनाई रखी है, और इससे हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं, जिसे भारत संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध हुआ है। तो याद रखिए आप लोग क्या किया करना है आपको, कि महत्वपूर्ण संगठनों की जो आपकी सूची बनाई हुई है उसे जाकर देख लीजिए, अगर आपको लगता है कोई छूटा हुआ है तो आप बताइए, उसे भी कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो याद रखिए, क्योंकि संगठन आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, सामान्य जानकारी के लिए आपको याद रहना चाहिए, और वैसे भी आपकी परीक्षाओं के लिए तो आप जानते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पेपर सेकंड मेंस में आप लिखित परीक्षा की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं ना, उसी में आ जाता है लगभग, ठीक है।